नमस्कार दोस्तों, कन्हैया मनोरंजन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक स्मार्टफोन के बारे में, जब ये बॉक्स खुलने के बाद आप सभी को पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हमने फ्लिपकार्ट से मंगाया है, देख सकते कुछ इस तरह का पैकिंग है, बढ़िया पैकेजिंग बोल सकते हैं इसको। तो इसके अंदर हमें क्या कुछ मिलता है हम आपको दिखाते हैं। ये हम थोड़ा बॉक्स को पहले खोल लिए थे ताकि कुरियर वाला क्लियर कर पाए कि हाँ इसमें फ़ोन ही है। आप देख सकते हैं ये है रेडमी 9 आई स्पॉट, जो कि 464 की वैरायटी है। इसमें देख सकते हैं आप, यहाँ पे बहुत अच्छी पैकिंग की हुई है मेक इन इंडिया के तहत। देख सकते हैं आप यहाँ पे 4 GB रैम, 64 GB इंटरटेनमेंट लिखा हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे क्लर्क क्वांटिटी वगैरह लिखी हुई है। तो चलिए इस बॉक्स के अंदर हमें क्या कुछ मिलता है हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले इस बॉक्स को खोलते हैं। इस बॉक्स के हमें ये मिलता है, ये बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ एक फ़ोन मिल रहा है, जो कि रैपर में दिया गया है। इस रैपर को अलग करते हैं, देख सकते हैं कुछ इस तरह का है, बहुत अच्छी कलर है इसकी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इसके अंदर की सारी चीज़ें, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और ये प्लास्टिक बॉडी है, और इसमें देख सकते हैं चार्जिंग, जो कि टाइप सी नहीं है, टाइप सी होता तो और भी अच्छा होता। और ये इसका माइक्रोफोन बोल सकते हैं इसको, ये पे स्पीकर ग्रिल, यहाँ पे आयर ब्लास्टर भी नहीं है दोस्तों। इसमें आप एक चीज़ देख सकते हैं, 3.5 mm का जैक दिया हुआ, जो कि ईयरफोन लगाने के लिए काम में आता है, जो ऊपर की साइड दिया हुआ है। तो कुल मिलाकर ये फ़ोन अच्छा है, और इसमें देख सकते हैं 13 MP कैमरा दिया हुआ है, जो इसकी क्वालिटी ठीक ठाक ही होगी। तो ये कुल फ़ोन है, इसके अंदर देखते हैं हमें क्या मिलता है। ये है एक इसका सिम इजेक्टर टूल्स, जो कि सिम कार्ड लगाने में निकालने में काम देता है। इसके अंदर और क्या मिलता है, ये कुछ मैनुअल्स, यूजर मैनुअल्स, जो इसे पढ़ने की चीज़ें नहीं है, अगर आप चाहते हैं पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर इसको पढ़ना जरूरी नहीं, इसको साइड में रखते हैं। इसके अंदर एक कैश दे देते कंपनी दे देती तो और भी अच्छा होता, चलिए कोई बात नहीं। इसके अंदर और देखते क्या है, ये है एक, देख सकते दोस्तों ये है 10 W का चार्जर, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, देख सकते हैं इसके अंदर वो छोटा सा है ब्लैक, और इसकी एक केबल देख सकते हैं जो कुछ इस तरह का आता है। इसकी लेंथ आप देख लेते कितनी लेंथ है इसकी, इसकी लेंथ अगर ठीक ठाक रही तो कुल मिलाकर और भी अच्छी बातें हो जाएंगी। इसकी लेंथ भी कुछ अच्छी ही है, यही कोई 1 मीटर की लगभग होगी, 1 मीटर की लेंथ है इसकी। और ये देख सकते हैं आप, इसकी टाइप सी चार्जर तो नहीं है, ये माइक्रो एसडी चार्जर बोल सकते हैं इसको। तो चार्जर की क्वालिटी भी अच्छी है, और इसके अंदर कुछ भी और नहीं है। तो अब इस फ़ोन को बूट करने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, अगर आपको बूट करना है तो बूट करके इसको कैसे रीसेट किया जाता है इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। अगर ये मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, धन्यवाद।